नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और 24 जनवरी से जो शनि का गोचर मकर राशि में होगा उसका कर्क राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम लोग समझते हैं। तब यदि आपकी राशि कर्क है तो जब शनि मकर राशि में प्रवेश करेगा तो शनि सातवां होगा। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि शुभ गोचर तो सिर्फ तीन ही है, तीसरा, छठा और ग्यारहवां। तो क्या सारे परिणाम खराब हो जाएंगे कर्क राशि वालों के लिए? ऐसा नहीं होगा। तो अब ये सातवां गोचर कर रहा है तो ये क्या क्या प्रभाव देगा? तो सबसे पहले तो ये सातवें स्थान के लिए बहुत बुरा नहीं होगा, उसके बहुत कारण है। पहला कारण, एक, स्वराशि के हैं। दूसरा कारण, यहां दिग्बली होते हैं। तीसरा कारण, बहुत जगह शास्त्रों में लिखा है कि शनि जिस स्थान में स्थित होता है उसकी वृद्धि करता है। अब यहां शनि यदि स्थित है तो नुकसान क्या क्या दे सकता है? तो पहले दृष्टि से यह अपने भाग्य स्थान को देख रहा है। तो जब भाग्य स्थान को देख रहा है तो हमको सतर्क हो जाना चाहिए कि लक फेवर नहीं करेगा। किसके लिए कह रहे हैं? कर्क राशि वालों के लिए। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लक फेवर नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जब हम परिश्रम करेंगे तो फल मिलेगा ना। 100% के लिए काम करेंगे तो 70% मिलेगा ना, तो इतना जरूर मिलेगा, इसमें कोई बाधा नहीं है। उसके बाद चूंकि नवम स्थान, हम उत्तर भारत के हिसाब से कहते हैं, यहां से हम लोग पिता का विचार करते हैं। तो पिता के स्वास्थ्य के साथ साथ आपके यदि कोई धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं तो उसके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर नहीं हो सकता है, इसीलिए आप अपने पिताजनों गुरुजनों का ध्यान रखें। अगर कोई धर्मशाला बनवाना हो, मंदिर बनवाना हो, तो ऐसे समय में आपको बहुत रुकावट आएगी यदि आपकी राशि कर्क है। अर्थात हम धार्मिक कार्यों को करना तो चाहेंगे, कर नहीं पाएंगे, किसी न किसी रूप से बाधा आएगी ही आएगी। तो समझना कैसे है, सिर्फ ये समझ लीजिए, सब चीज अपने आप समझ में आ जाएगा। अब शनि यहां बैठा तो ये लग्न को देख रहा है। अब ये जन्मकालीन चंद्रमा है आपकी, तो ये चंद्र को देख रहा है। तो अब यहां जब दृष्टि उसका यहां पे होगा, हम यहां लग्न यदि बोल जाए तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चंद्र लग्न मान करके आप चलें। तो हम चंद्रमा से मन की बात करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर बुरा प्रभाव हो सकता है। यदि जन्म के समय चंद्रमा बहुत पीड़ित हो तो जब जब चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि जाएगी तब तब उसको परेशानी होती है। ऐसे में आप देखते होंगे कि हम यहाँ उस चीज को नहीं छेड़ना चाहते, संवाद बस बता देते हैं कि चंद्रमा बहुत पीड़ित है तो आप देखेंगे कि वो महीने में 15 दिन में ये सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर इसको अलग तरीके से देखते हैं, वो या तो बहुत उग्र हो जाता या फिर बहुत शांत हो जाता। अब ये पागलपन अलग अलग तरीके का होता है और बिना चंद्रमा के पीड़ित हुए हम मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं कह सकते। तो जिनका चंद्रमा पीड़ित है उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि यदि सातवां गोचर चंद्रमा का हो रहा है तो मानसिक स्थिरता आपके अंदर होनी चाहिए। अब इसके लिए ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना होगा। अब ये चंद्र लग्न के ऊपर दृष्टि दे रहा है तो भी हमको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, उसमें भी भौतिक शरीर का यदि न भी रख सकें तो मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रहने की जरूरत है। लग्न से धन की बात भी होती है तो धन का खर्च अधिक न हो
और कहीं आपके ऊपर ही अधिक खर्च ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सरल है समझना, तो ऐसे में यदि आपका मन स्थिर नहीं है तो जब आप किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं तो स्किल पर्सन से सलाह ले लेना चाहिए। हम काम करने जाएंगे, चलो नहीं पूछना, बहुत बड़ा तो काम है नहीं, लेकिन जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं, जो करोड़ों का काम करना चाहते हैं, उनको तो सलाह ले ही लेना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा जो स्वनिर्णय होगा वो ये शनि सही रहने नहीं देगा। तो यहां स्वनिर्णय से काम नहीं लेना चाहिए, जो एक्सपर्ट है उससे सलाह लेना चाहिए। अब ये दसवीं दृष्टि से फिर ये सुख स्थान को यहां से देख रहा है, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि काल पुरुष में भी चतुर्थ स्थान में सुख स्थान में चार नंबर की राशि रहती है, और अभी वर्तमान गोचर में ये चार नंबर की राशि को देख रहा है, तो इसीलिए मेष और कर्क लगन वालों के लिए तो ये चौथे को पीड़ित करता ही करता। अब ये संभावना है, आपको हमने कहा कि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, जब मेष लगन था तो दसवें बैठ के देख रहा था, और जब कर्क लगन आया तो ये सातवें बैठ के चतुर्थ को देख रहा है। ये मैंने नहीं बनाया, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया। अगर आप इसको डीपली समझना चाहेंगे तो और आनंद मिलेगा आपको। तो यहां दसवीं दृष्टि से सुख स्थान को देख रहे हैं, तो पुनः वही चीज, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रॉपर्टी में निवेश न करें, करना हो तो सोच समझ करके करें, वाहन आदि सावधानी से चलाएं, तो ये सावधानी रखने की यहां जरूरत है। स्थान परिवर्तन की बात हो सकती है, क्यों, अब आपका फोर्थ यहां से पीड़ित दिख रहा है तो वही चतुर्थ तो हमारा निवास है, तो स्थान भ्रंश होने का अर्थात स्थान छूटने का, कभी कभी यहां से आपकी ट्रांसफर हो जाए, अपना घर परिवार लेकर के कहीं और चले जाए, आप इंडिया में रहते हैं विदेश चले जाए, विदेश में रहते हैं समाप्त हुआ वीजा वापस आ जाए, तो ये भी यहां से संभव है। और हम पुनः वही चीज दोहराएंगे, दशा अंतर दशा उसको देखना जरूरी है। तो यहां कर्क राशि वालों के ऊपर किस तरह का प्रभाव होगा इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब सिंह राशि, अच्छा एक चीज और कहा जाता है कि अग्नि तत्व राशि के ऊपर शनि का प्रभाव कुछ विशेष होता है, इसको अपने रेगुलर पाठ्यक्रम में हम लोग समझेंगे। यहां पे हमको सिर्फ ये समझना है कि जब सिंह राशि की पत्रिका होगी तब देखिए कितना अच्छा जो है सो शनि काम करता है। अब यहां पिता पुत्र की बात करने वाले लोगों को समझना पड़ेगा कि हम कैसे बात करेंगे कि ये पिता है ये पुत्र है दोनों दुश्मन है, ठीक है, पंचतंत्र से भी राजा पुत्रों को कहानी बता करके भी उसको विद्वान बनाया जाता था। हमारे वेदों में जितना गणित है उतनी कथाएं भी हैं, यदि आप गणित से नहीं समझ सकते तो कथाओं से भी समझ सकते हैं, लेकिन उसका कुतर्क नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए कि अगर सिंह लग्न है तो चंद्रमा यदि मकर राशि में आएगा तो वो छठे स्थान में होगा, और हमने क्या कहा कि शुभ गोचर जो चंद्रमा का होता है वो क्या होता है, तीसरा छठा और ग्यारहवां। तो अब ये सिंह राशि वालों के लिए ये शुभ गोचर हो गया, तो जब शुभ गोचर हो गया तो जय होगा, विजय होगा, शत्रु के ऊपर दमन होगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की पाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शनि है ये तीन ही राशि में तो शुभ फल देंगे अपने ट्रांजिट में, जब कभी भी ट्रांजिट करेंगे वह तीन राशि वालों के लिए आंख बंद, बाकी सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा और अधिक से अधिक बुरा करना चाहेंगे। इसमें मकर राशि में अपने घर में आते ही अपने पुत्र को फायदा दे रहे हैं, अर्थात सिंह राशि के अपने पिता को फायदा दे रहे हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य को।
अब यहाँ से दृष्टि भी देखिए ऐसे ऐसे स्थानों पर जाएगी जिससे कि आप चाहेंगे कि चलो ठीक ही है। यहाँ से शनि की दृष्टि अष्टम के ऊपर, यहाँ से शनि की दृष्टि द्वादश के ऊपर, और यहाँ से शनि की दृष्टि तीसरे के ऊपर। दो दुख स्थान और एक अशुभ स्थान, बाकी संतान होगा होगा, सुख मिलेगा मिलेगा, पत्नी से बनेगा बनेगा, भाग्य अच्छा रहेगा रहेगा, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी होगी, लाभ मिलेगा मिलेगा, धन अच्छा रहेगा रहेगा। लेकिन यदि धन नाश होने की दशा हो, धन की हानि होने की दशा हो, और सिंह राशि वालों का शनि शुभ गोचर में भी है, तो उसके धन को ये कैसे बचाएगा? तो ये बात आपको समझना है, इसीलिए दशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं कि ये जब इस स्थान को देखेगा, ऐसे ज्योतिष बंधु जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं नहीं सीखेंगे, बीच में छोड़ के चले जाए। जो ऐसे ज्ञान, जो गुप्त ज्ञान है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आधा अधूरा प्राप्त होगा। ये शनि का ट्रांजिट नॉट गुड, शनि का जो एस्पेक्ट है, दृष्टि है, वो अच्छा नहीं। अब यहां से शनि द्वादश स्थान को देख रहा है, तो बुजुर्गों के लिए, अगर सिंह राशि के बुजुर्ग हैं आप, आपको लगेगा कि हम क्या बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि हम 1% आपको समझा पाते हैं, 99% स्वयं आपको धीरे धीरे समझना होगा। ऐसा थोड़ी है कि जो 90 साल के लोग हैं, 80 साल के लोग हैं, 70 साल वालों का किसी का सिंह राशि नहीं है, जरूर होगा। तो क्या ये सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर अच्छा कहेंगे? जरूर कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ये द्वादश स्थान के ऊपर और आठवें स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है, हो सकता है कि आपको मुक्ति मिल जाए। आप ढूंढिए यूट्यूब में, मिलता है आपको क्या ऐसा? क्या हमने कोई गलत बात कहा? तो कहेंगे फिर 30 साल वालों के लिए क्या होगा? तो क्या 30 साल वालों को भी कह देंगे कि आपको भी जीवन से छुट्टी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? ज्योतिष हमेशा, हमारा शास्त्र कहता है कि देश काल और परिस्थिति, काल का मतलब समय है, यहां बूढ़े लोगों की बात हो रही है, अभी जवान की बात नहीं कर रहे हैं। जब जवान की बात आई तो हमने कहा कि अधूरा ज्ञान रहेगा अगर ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। खर्च बहुत करेंगे मर्जी के हिसाब से, आपके खर्च के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। अब यहां से यहां भी देख रहा है, तो आप चाहे जितने भी खिलाड़ी अच्छे हों, इस बार आपका फॉर्म बिगड़ा रहेगा। हम लोग जानते हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के फॉर्म बिगड़ते हैं, चोटिल होते हैं, चोटग्रस्त होते हैं, सिलेक्शन तो हो गया, 5 टेस्ट था, 3 वनडे था, बाहर हो गया। तो यहां सिंह राशि वालों के लिए समझ में आया कि जब छठे को देखेगा आप, छठे से आपको हानि नहीं है, हमको हानि नहीं है, लेकिन क्षमा चाहेंगे, आठवें को जब देखेगा तो, लेकिन उसको हानि है जो रिसर्च में काम करता है, उसको हानि है जो गुप्त ज्ञान लेना चाहता है, उसको हानि है जो गुप्त कला की बात सोचता है। अब यह भी नहीं कि अष्टम को देखा तो इसने तीसरे को भी देख लिया, कला की बात तो यहां से भी होती है, खेलकूद की बात तो यहां से भी होती है, आयु की बात तो यहां से भी होती है। तो दोनों आयु स्थान और ये मृत्यु स्थान को भी देख रहा है। हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग बातों की बात होगी। चलिए अब यहां शनि है तो इनके लिए शुभ क्या क्या होगा ये भी जान लेना है। ये हमने पहले ही बताया है कि इनके लग्न के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो मानसिक रूप से सबल रहेंगे और मास में साइकोलॉजी को समझने का समर्थ होगा। लाभ पर्याप्त होगा यदि प्रयास अच्छा हो और दशा अच्छी हो। निवेशित धन का भी लाभ मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी।
माता का सुख, घर का सुख मिलेगा, संतान आदि की बात, संतान की ओर से भी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। हम यहाँ आपको पहले ही बताया है कि यहाँ हम संक्षिप्त में सिर्फ आप राशि वालों के लिए क्या फल होगा हम उसी को बताना चाहते हैं, अधिक उलझना नहीं, क्योंकि जितना अधिक हम यहाँ बढ़ते रहेंगे आपके मन में भी कन्फ्यूजन होता रहेगा और आप अच्छी तरह से पाठ को समझ भी नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो अब शनि का सिंह लग्न के लिए कहाँ से गोचर हो जाएगा, पांचवा, क्षमा चाहेंगे कन्या लग्न के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो पांचवा गोचर शुभ कहा गया है, नहीं कहा गया। तब अब यहां क्या क्या विपरीत परिणाम हो सकता है, आगे ये भी ध्यान रखिएगा, लग्नेश कौन, इसके पहले सूर्य था, अब ये कन्या अर्थात बुध आ गया, तो आगे इसकी भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है। तो यहां स्वराशि का शनि बैठा पांचवे में, तो आपके हायर एजुकेशन में डिस्टरबेंस नहीं है, आपके प्रेम संबंधों में डिस्टरबेंस नहीं है, आप बड़े व्यापारी हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अच्छा काम कर सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, नई जॉब की तलाश पूरी हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है। तब परेशानी क्या है, इसकी दृष्टि सप्तम के ऊपर है, तो विवाह में विलंब है, पार्टनर के साथ नहीं बनेगा, एक दूसरे से कुछ छुपाने का प्रयास करेंगे, लंबी यात्राओं पे जाते हैं, जो हमेशा ट्रेवल करते हैं 1,000, 2,000, 5,000 किलोमीटर एक ही दिन में चलते हैं, उनको यात्राओं में कष्ट होगा। अब यहां से सीधी दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर, अपने बड़े भाई के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लाभ नियंत्रित नहीं होगा, लाभ का फ्लो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, आज 100 रुपया हुआ, कल 80 रुपया, फिर 100 रुपये, फिर 70 रुपये, ऊपर नीचे होता रहेगा, अपेक्षित लाभ ना होगा। आप उम्मीद कर रहे हैं कि 500 रुपए का लाभ होना है, तो नहीं होगा, 100-200 रुपए का लाभ होगा, और संभव हो तो इस लाभ को भी फंसा दिया जाएगा, आगे मिलेगा आपको, लेकिन ये 2.5 साल तक क्या ऐसा करता रहेगा कि लाभ ही नहीं हो, आदमी की जाएगा काम, व्यापार बंद हो जाएगा, वहां तो रोज पैसा चाहिए, अभी आर्थिक मंदी का दौर भी चल रहा है आप जानते हैं। तो जितने भी कन्या लग्न वाले लोग हैं उनको कहेंगे अपने लाभ के प्रति सतत ध्यान रखें, अगर यहां ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशानी संभव है। अब उसके बाद इसकी दृष्टि धन स्थान, लाभ होगा नहीं तो धन कैसे जमा रहेगा। अच्छा, ये हमने कहा, हम हमेशा इस तर्क को देखते देते हैं, आप हमको चाहे फलित कथन में जाएंगे, जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं, और जब गोचर की बात या जब दशा की बात करते हैं, तो पता नहीं एक दूसरे से अपने आप संबंध कैसे बना लेता है प्लैनेट्स, कि जब लाभ को दृष्टि दे रहा है तो इसकी दृष्टि ये धन स्थान के भी ऊपर है, क्यों, हम कहेंगे कि नहीं धन अच्छा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, लाभ हो ही नहीं रहा है तो धन कहां से होगा। और यहां गोचर और वर्तमान, ये वर्तमान 2.5 साल ये कालखंड की बात कर रहे हैं, जब लाभ प्रभावित हुआ तो धन भी प्रभावित हो गया स्वाभाविक रूप से, और आपके पास धन नहीं होगा तो कुटुंबों में इज्जत भी कम होगी, आपके मान सम्मान के ऊपर भी असर आएगा, आप कहेंगे कल तक तो हमारे लिए वो बहुत प्रिय था, आज देखना भी नहीं चाहता, बात भी नहीं करता, तो ये आपका कोई दोष नहीं, ना आपके किसी कुटुंब या रिश्तेदार का दोष है, ये समय का दोष होता है। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना है आपको अपने जीवन क्रम में, कि कल वो अच्छा था आज बुरा कैसे हो गया, अर्थात न कल वो अच्छा था न वो आज बुरा है, वो वही है जो था,
आपका समय अच्छा है और समय बुरा है। तो ये आप लोगों ने देखा कि कन्या लग्न वालों को अगर हम कहेंगे कि आपको नया काम नहीं मिलेगा, मिल सकता है भाई, भाग्य साथ नहीं देगा, देगा, क्योंकि वहां तो शनि का प्रभाव नहीं जा रहा। ये शनि के प्रभाव से जिन भावों के परिणामों को कम बताया जा रहा है, जरूरी है कि उसकी दशा और अंतरदशा में भी कहीं ना कहीं उसका योगदान होना चाहिए। अगर दशा अंतरदशा लाभ धन और सप्तम की नहीं है तो ऐसे जगहों पर आपको उतना बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ ना कुछ मिलेगा, पहले पाठ में हमने बताया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं पाठ आपके समझ में आता होगा। आगे के 6 राशियों की चर्चा 2 पाठ में जरूर करेंगे, अगर आपके समझ में आता हो। और या कोई भी सुझाव देना चाहते हो कि सर ये इस तरह से भी बताएं, तो कोशिश करेंगे हम बताने का। हमारा इच्छा था कि बहुत लंबा एक एक राशि के ऊपर बताएं कि फाइनेंशियल कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, मेडिकल के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा। लेकिन हमको, हम प्रयास बहुत किए लेकिन हम स्वयं संतुष्ट नहीं हो पाए कि बिना दशा के हम इतनी बातें कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमने उसको रोका और एक साधारण, क्योंकि सबकी अपेक्षा होती है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उसकी भी अपेक्षा होती है कि बताइए गुरुजी, 6 महीने पहले से लोग बताए जा रहे हैं और आप अभी भी नहीं बता रहे। तो ये आपके लिए है, आप इसको संक्षेप में ही समझिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।